हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं ये SSP का व्यू है, मऊ शाहगंज रूट पर पड़ने वाले सराई रेलवे स्टेशन के पड़ोस में जो SSP बनाई जा रही है उसका व्यू। काफ़ी कुछ यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, चबूतरा वगैरह। हालांकि बारिश की वजह से कहीं कहीं पर यहाँ पर टूट भी हो गई है, टूट फूट हो गई है। इसके अलावा ये देखिए खांचा भी रखा हुआ है जिसके द्वारा फाउंडेशन बनाया जाता है। एक छोटा सा व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं SSP का, जो यहाँ पर ट्रैक के किनारे बन रही है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा यहाँ पर पोल लगाने का जो काम है वो कर लिया गया है। पोल्स को 90 डिग्री पर भी सेट कर लिया गया है, यहाँ से नज़र डालिएगा तो काफ़ी कुछ अभी यहाँ पर SSP में काम होना बाकी है। बाउंड्री वॉल तो बनेगी ही, इसके अलावा जो स्टील टावर है वो भी, और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो भी लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी सामने देख सकते हैं ढेर सारा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, जो यहाँ पर SSP बनाई गई है उसके लिए जो फाउंडेशन खोदा गया तो मिट्टी का ढेर लग गया है। हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल है सराई मीर रेलवे स्टेशन के आउटर से, और ये सामने स्टेशन की तरफ रूट जा रहा है सराई मीर रेलवे स्टेशन। और इस SSP का वीडियो अबू मंजर साहब ने बनाकर भेजा है जो सराई मीर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर साहब, एक प्यारा सा अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आपकी वजह से बहुत से लोगों को घर बैठे अपडेट मिल जाता है। यहाँ से नज़र डालिएगा, हम लोग सराई मीर रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये देखिए, अगर नज़र डालिएगा तो हाइट गेज लगाने का काम कर लिया गया है। ये आज़मगढ़ की दिशा है, यहाँ से 3 ट्रैक हैं। यहाँ पर डबलिंग का भी काम इस रूट पर चल रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर जहाँ पर SSP का अपडेट दिया तो वहाँ पर अभी डबलिंग से संबंधित कोई रेल बेड या वहाँ पर कोई मिट्टी पटान का काम नहीं हुआ है। यहाँ से नज़र डालिएगा, ये शाहगंज की दिशा में रूट जाता हुआ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो जो हाइट गेज लगाने का काम है वो कर लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ज़मीन पर ड्रॉप आर्म भी पड़ा हुआ है, इसको लगाने का काम अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर ड्रॉप आर्म बहुत जल्द लगा लिए जाएंगे, तो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है क्योंकि स्टेशन पर ड्रॉप आर्म लगाने का काम चल ही रहा है। इसके अलावा ये जो हाइट गेज लगा हुआ है, यानी कि पूरे ट्रैक को क्रॉस करते हुए, तो इसको भी लगाने का काम चल रहा है। पूरे स्टेशन पर अभी पूरी तरह से ये हाइट गेज नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा सामने मालगाड़ी भी ढेर सारा इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित रॉ मटेरियल लेकर खड़ी हुई है, और यहाँ पर यूटिलिटी व्हीकल मशीन भी है, इसी के द्वारा जो हाइट गेज है उसको लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर यात्री भी आप लोगों को ढेर सारे नज़र आ रहे होंगे, भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि इस समय कैफियत एक्सप्रेस के आने का समय हो गया है। उसका व्यू भी एक हम आप लोगों को छोटी सी झलक दिखाएंगे। ये देखिए सामने कैफियत एक्सप्रेस जो आज़मगढ़ से दिल्ली के बीच में चलती है वाया शाहगंज, फैज़ाबाद, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, नई दिल्ली, अब दिल्ली के बीच में चलने लगी है। पहले भी दिल्ली के बीच में चलती थी, नई दिल्ली गलती से निकल गया। तो देख सकते हैं मतलब भीड़ की भीड़ है, और जैसा कि ये कैफियत एक्सप्रेस है इसका ठहराव शायद उन्नाव में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सराई मीर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो काफ़ी यात्री यहाँ से चढ़ते हैं दिल्ली के लिए, तो एक महत्वपूर्ण ट्रेन है कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली वालों के लिए जिसको दिल्ली यहाँ से सफ़र करना होता है। काफ़ी समय बाद मैं आप लोगों को सराई मीर रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह कैफियत एक्सप्रेस खड़ी हुई है, यहाँ से भी नज़र डाल लीजिएगा तो LHB कोचेस के साथ इस ट्रेन का संचालन होता है। अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजना चाहें कहीं का भी, जहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा हो, तो हमारा WhatsApp नंबर वीडियो के शुरुआत में ही दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप हमें WhatsApp के द्वारा कहीं भी वीडियो, कहीं का भी वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो सराई मीर रेलवे स्टेशन का, तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।